ताहिर सर, 3 दिनों का आपका विजिट था जास्कर में, क्या कुछ देखा, किस तरह के डेवलपमेंट जास्कर के देखने को मिला? हाँ देखिए, ऐसा है जो हमने जो 3 दिन का जांस्कर का पूरे जांस्कर सब डिवीज़न का ये टूर प्रोग्राम बनाया था। इसमें मेरे साथ एसीडी साहब भी है, एक्शन साहब भी है, हमारे एडब्ल्यू साहब और वीडियो साहब भी है। तो एक तो हमने जितना भी आज तक काम किया है यूटी बनने के बाद, उनकी देखभाल करना था कि कहाँ तक पहुँचा है। और ऑन स्पॉट हमने विजिट इसलिए किया है कि फाइनल स्टेज पर पहुँचा है या कुछ जगहों पर ऑन गोइंग अभी चल रहा है। तो कुछ सीएफसीज और एक दो जगह पर पब्लिक पार्क जैसे ररू में है, इस तरह पदम में, करशा में, और 3-4 जगहों पर हमारे जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बने हुए थे उनका आज हमने इनाग्रेशन किया। इसके अलावा बाकी जो काम ऑन गोइंग हमारे वर्क चल रहा है वो तकरीबन फाइनल स्टेज पे है। तो हमें उम्मीद है कि तकरीबन अगस्त सितंबर में इसी सीज़न में जितने भी हमारे एसडीपी और स्टेट सेक्टर में हमारे ऑन गोइंग वर्क है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी नेक्स्ट ईयर के प्लान्स वगैरह भी हमने पूरे सब डिवीज़न का, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ या करगिल और लेके जितने भी प्लान्स वगैरह है वो हमने सबमिट किया हुआ है। उसमें उम्मीद है कि जल्दी हमारा स्टेट सेक्टर और एसडीपी भी हमारे अप्रूव हो जाएंगे। तो इसके अलावा ऑन स्पॉट लोगों से मिलना भी था, हमने पीआरएस मेंबर से मिले, बीडीसी साहब से मिले, दोनों जगह ब्लॉक्स में हमने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन से मीटिंग वगैरह भी की। तो इसके अलावा पब्लिक से भी हमने मिले। तो यहाँ पर बहुत अच्छा काम हुआ है पूरे जांस्कर सब डिवीज़न में, खासकर हमारे वीडियो साहब ने बहुत मेहनत किया हुआ है। काम की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को देखकर हम बहुत खुश हुए। देखिए, ये सब कुछ होता है हमारे जो फील्ड स्टाफ होते हैं इंजीनियर्स, उन तक होता है ये सब कुछ। अगर आपके फील्ड स्टाफ अच्छे हैं तो आपका काम भी अच्छा होगा। तो हमारे करगिल में ऐसा नहीं है, कुछ होते हैं क्योंकि बैड एलिमेंट्स हर जगह होते हैं, लेकिन अच्छे भी होते हैं। हमारे अच्छे काम भी इस करगिल में हो रहे हैं। तो जैसे कि करगिल जो जंस्कार है, ये छोटा इलाका है, करगिल जो है एक काफ़ी खुला इलाका है। तो नेचुरली 100 काम में से एक दो काम में आपको शिकायत आएगी, वो मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन हमारा यही होगा इंशाल्लाह, उम्मीद कि उसको जो हमने गलतियाँ की हैं उनको रेक्टिफाई किया जाए, इन फ्यूचर में हम अच्छा अच्छा काम दें और अच्छी सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर सकें, ताकि जो जिससे हमारी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे। थैंक यू सर। तो यूटी बनने के बाद हमारे रूरल डेवलपमेंट में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत अच्छा लिबरल फंडिंग हुआ है। तो मैं डायरेक्टर साहब, एसीडी साहब का मशकूर हूँ कि वो अपने मसरूफियत में से टाइम निकाल के हमारे यहाँ का विज़िट किया, और बार बार जब भी हमें ज़रूरत पड़ा, हमें टेक्निकल गाइडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस और हर चीज़ में हमें मदद इनसे मिलता रहा। तो मैं इन डायरेक्टर साहब और एसीडी साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ दिल से कि इन्होंने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल के पूरे जांस्कर सब डिवीज़न का इन्होंने विज़िट किया। और बाकी रहा, आपने कुछ सवाल उठाया कि यहाँ सब स्टैंडर्ड मटेरियल का यूज़ नहीं हुआ, तो इस चीज़ में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे टेक्निकल स्टाफ है, उनका अच्छा, बहुत बड़ा अच्छा योगदान रहा है। और उन्होंने टाइमली हर जगह मॉनिटर किया, हर चीज़ को देखा। और बाकी मैं खुद भी जगह जगह जाके इवन एनकरेजमेंट कॉन्ट्रेक्टर को भी लेके, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के मेंबर्स जो है, बीडीसी से सरपंच है, और इनको हर बार हम सेंसिटाइज करते हैं कि भाई अब इन कामों को अच्छी तरह अब पर्सनल अपना समझकर इन चीज़ को देखें और मॉनिटर करें। और इस मतलब मैं इन पीआरआई मेंबर का भी मशकूर हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा मतलब कामों को मॉनिटर किया। जैसे आप देख रहे हैं, पिछले 3 दिन से डायरेक्टर साहब यहाँ जंस्कार सब डिवीज़न के दौरे पे हैं। यहाँ बहुत सारे सीएफसी, पंचायत घर, चिल्ड्रन पार्क वगैरह जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने यूटी आने के बाद कंस्ट्रक्शन किए हैं, इनको पब्लिक को हैंडओवर किए हैं ताकि पब्लिक उसका बेनिफिट ले पाएँ। और साथ में जैसे डायरेक्टर साहब ने कहा कि 2023-24 का जो स्टेट सेक्टर एसडीपी प्लान में
रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने ये कोशिश किया है कि वो जो काम हमारा कुछ अधूरा रह चुका है, जैसे ररू का चिल्ड्रन पार्क है जिसमें और भी इक्विपमेंट्स आने हैं ताकि वो सीनियर सिटीजन्स को, बच्चों को एक लीजर टाइम के लिए उसको स्पेंड करने का मौका मिले, और साथ में पब्लिक लाइब्रेरी है या पंचायत घर है, CFC है, इन सारे चीज़ों का जो UT डिपार्टमेंट, खसूस रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चाहता है कि उसको CFCs को एक इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ लोगों का सारा ऑनलाइन का जिस डिपार्टमेंट या जिस साइट से लोगों की रिक्वायर्ड है वो CFC में चले। यहीं डायरेक्टर साहब का भी मानना यही है कि यहाँ जनस्कार में जितने भी हमारे प्रोजेक्ट इससे पहले 3 साल में हुए हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से हुए हैं, और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के टेक्निकल सेटअप और BDO साहब ने काफ़ी मेहनत किया है। यहीं है कि आइंदा आने वाले दिनों में एज असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट हम ये चाहते हैं कि 2023 के जो स्टेट सेक्टर या SDP या हमारे डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के भी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह से टाइम पे उसका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो और साथ में इनका पेमेंट हो जाए।